डियर फ्रेंड्स, आज हम एक आइडेंटिटी लिखते हैं जो हम आपको ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन करके दिखाएंगे। हम जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए होता है। इसी का हम ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन करके दिखाएंगे। मैंने यहाँ एक स्क्वायर पेपर लिया हूँ, ठीक है। तो पेपर को हम पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। यहाँ से यहाँ तक इसका लेंथ है ए, यहाँ से यहाँ इसका लेंथ है बी और यहाँ से यहाँ इसका लेंथ है सी। इसी तरह इन द सेम वे आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक इसका लेंथ लिया हूँ ए, यहाँ से यहाँ तक इसका लेंथ लिया हूँ बी और यहाँ से यहाँ तक इसका लेंथ लिया हूँ सी, ठीक है। तो ये पेपर का लेंथ कितना है? ए प्लस बी प्लस सी। ब्रेड कितना है? ए प्लस बी प्लस सी। तो ये पेपर का जो एरिया होगा ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, राइट। द एरिया ऑफ दिस पेपर इज ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ठीक है। अभी यहाँ पर हम इसको डिवाइड किए हैं। जैसे यहाँ पर ए पार्ट है, ये पॉइंट को हम इसको स्ट्रेट लाइन दिए हैं। बी पार्ट यहाँ पर हम एक स्ट्रेट लाइन दिए हैं। इन द सेम वे यहाँ से यहाँ तक ए पार्ट, तो हमें यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन दिए हैं और बी पार्ट यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन दिए हैं। तो हम देख सकते हैं ये पेपर 9 पार्ट्स में डिवाइडेड हो चुके हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अगर हम ये 9 पार्ट्स को जोड़ देते हैं विल गेट द एरिया ऑफ दिस पेपर, राइट। तो देखिए ये पेपर का एरिया मैंने पहले कितना निकाला, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। अगर हम इसको इस पेपर को 9 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो एरिया कितना होता वो हम दिखाएंगे देखेंगे। तो देखिए ये पार्ट में इसका लेंथ कितना है ए, ब्रेड कितना है ए, तो एरिया ऑफ दिस पेपर यहाँ से यहाँ तक कितना होगा ए स्क्वायर। यहाँ पर देखिए लेंथ है ए, ब्रेड लेंथ है बी, ब्रेड भी है बी, तो ये पार्ट का एरिया होगा बी स्क्वायर। यहाँ पर देखिए ये लेंथ है सी, ब्रेड है सी, तो ये पार्ट का एरिया होगा सी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये लेंथ है ए, ब्रेड है बी, तो इस पार्ट का एरिया होगा ए बी। यहाँ पर देखिए ये लेंथ है ए, ब्रेड है बी, तो इस पार्ट का एरिया होगा ए बी, यानी कि ए बी प्लस ए बी मुझे 2AB मिला है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये पार्ट है लेंथ है बी और ब्रेड है सी, ये पार्ट होगा बी सी। यहाँ पर लेंथ है बी, ब्रेड है सी, ये पार्ट भी होगा बी सी, यानी बी सी प्लस बी सी 2BC, राइट। यहाँ पर देखिए ये लेंथ है सी, ब्रेड है लेंथ है ए, ब्रेड है सी, ये पार्ट होगा सी ए। यहाँ पर देखिए लेंथ है ए और ब्रेड है सी, यहाँ पर पार्ट होगा सी ए, ए बी सी ए, ए बी सी ए 2CA। तो अगर हम इसको प्लस करते हैं तो क्या होता है मुझे देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी 2AB प्लस बी सी प्लस बी सी 2BC प्लस सी ए प्लस सी ए 2CA। तो इसको हम अगर 9 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो ये सेम होगा, द एरिया ऑफ द 9 पार्ट्स विल बी इक्वल टू द एरिया ऑफ द होल पेपर। तो एरिया ऑफ द होल पेपर मैंने क्या निकाला है, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। तो इसका समेशन कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA। देखिए ए आइडेंटिटी मैंने इंटरप्रेट करके दिखाया, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA। हम फिर से एक बार देखेंगे। देखिए ये पार्ट है ए, ये पार्ट है बी, ये पार्ट है सी। सेम वे ये पार्ट है ए, ये पार्ट है बी, ये पार्ट है सी। तो ये पेपर के एरिया अगर हम निकालेंगे, लेंथ कितना होगा ए प्लस बी प्लस सी, ब्रेथ होगा ए प्लस बी प्लस सी, देयरफॉर द एरिया ऑफ दिस पेपर इज लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, राइट।
अगर हम पेपर को इसको जैसे यहाँ पर इसका पार्ट ए एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं, ये इसका ब्रेथ है बी, यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन लेते हैं, ठीक है। और इन द सेम वे ए पार्ट यहाँ से हम इसे एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं और बी पार्ट यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन लेते हैं। तो देखिए पेपर को 9 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि 9 पार्ट्स के एरिया का सेम ये पेपर का एरिया होगा। ये पेपर का एरिया मुझे कितना निकला है, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। अभी हम ये 9 पार्ट्स को ऐड करेंगे। तो देखिए ये लेंथ कितना है ए, ब्रेथ कितना है ए, एरिया ऑफ दिस पेपर इज ए स्क्वायर। यहाँ पर लेंथ कितना है बी, ब्रेथ कितना है बी, एरिया ऑफ दिस पेपर इज बी स्क्वायर। लेंथ कितना है सी, ब्रेथ कितना है सी, दिस एरिया ऑफ दिस पेपर इज सी स्क्वायर। यहाँ पर देखिए यह लेंथ है ए, ब्रेथ है बी, तो एरिया ऑफ दिस पेपर इज ए बी। यहाँ पर देखिए लेंथ है ए, ब्रेथ है बी, एरिया ऑफ दिस पेपर इज ए बी। यहाँ पर देखिए लेंथ है बी, ब्रेथ है सी, एरिया ऑफ दिस पेपर इज बी सी। यहाँ पर देखिए लेंथ है बी, ब्रेथ है सी, एरिया ऑफ दिस पेपर इज बी सी, टू बी सी, राइट। और यहाँ पर देखिए लेंथ इज ए, ब्रेथ इज सी, इसका एरिया होगा सी ए। यहाँ पर देखिए लेंथ इज ए एंड ब्रेथ इज सी, इसका एरिया होगा सी ए। तो अगर हम 9 पार्ट्स को जोड़ देते तो मुझे क्या मिलता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए, राइट। तो ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन मैंने किया आइडेंटिटी का, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।